तो भैया गए चश्मा लेने के लिए, लेकिन चश्मा पसंद ही नहीं आया। कहा जाता है कि इस तालाब में स्नान करने के बाद आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और देवता के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उसका यहाँ पर आकृति बनाया गया है। देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड है। घरे बना बल मुझे बाहर, बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस। चले ला जिला में हमारे शासन जानू। अच्छा, सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो गाइस। और आज है जनवरी का पहला दिन, यानी बोले तो नया साल। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। और देख सकते हैं अभी हम ट्रेन से उतर चुके हैं। तो भैया इस नए साल में आप सभी के जीवन में खुशियों की बरसात हो, यही शुभकामनाओं के साथ आज का इस प्यारा सा ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। मंदार हिल से आप देख सकते हैं अभी यहाँ हम ट्रेन से उतरे और काफी ज्यादा भीड़ है। देख सकते हैं कुछ लोग आगे चले गए, हम लोग कुछ काम से रुके हुए थे। और तो अभी मंदार पर्वत पर चलेंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू। तो भैया आज इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि भाई आपका एक लाइक हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से बस। तो बस भैया मेन रोड पर आ गए हैं और वहाँ से चलते चलते काफ़ी ज़्यादा दूर था और देख सकते हैं पीछे भीड़ है काफ़ी सारा और आगे भी भीड़ है, दिखा दें, देख सकते हैं। बस थोड़ा दूर और है, चलते हैं उसके बाद एंजॉय करते हैं। फुल्ली एंजॉय होगा गाइज आज के इस वीडियो में, आप सभी को भी मज़ा आने वाला है, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तो भैया हम लोग पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, तो यहीं पर दुकान में पानी और चिप्स वगैरह सब ले लिए हैं, क्योंकि वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, मिलना तो चाहिए लेकिन हम लोग यहीं पर ले लिए हैं। और चलिए चलते हैं आगे, अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा लोकेशन भी है गाइस, बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। तो यहाँ से देख सकते हैं मंदार पर्वत का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। अभी थोड़ा सा दूर में है और सामने वहाँ जाएंगे तो और भी अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले वहीं और वहाँ आप सभी से हम मिलते हैं। तो भैया हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पर आ गए हैं मंदार पर्वत, क्योंकि आज पहला जनवरी है, नया साल का पहला दिन है, तो यहाँ बहुत सारा लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, तो हम भी यहाँ आए हुए हैं व्लॉगिंग शूट करने के लिए। पिकनिक तो नहीं मनाने आए हैं गाइस, बस घूमना है हम लोगों को और एंजॉय करना है और आप सभी को यहाँ का व्यू दिखाना। तो भैया ये आप देख सकते हैं यहाँ एक तालाब है, इसका नाम पाप झरनी के नाम से ये प्रसिद्ध है और बहुत ही प्रसिद्ध है गाइस। कहा जाता है कि इस तालाब में स्नान करने के बाद आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो खैर कोई नहीं, और बता दें गाइस इस तालाब में बोटिंग का भी सुविधा है, तो देखते हैं हम लोग का भी मन है कि बोटिंग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी पहले और लोकेशन पर जाते हैं हम लोग और आप सभी को पूरा एंटरटेनमेंट आप सभी का करवाते हैं। तो चलिए इस जगह से चलेंगे दूसरे साइड में और देखते हैं क्या है। तो गाइज मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ कुछ ऐसा सीन है, जब दानव और देवता के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उसका यहाँ पर आकृति बनाया गया है, बहुत ही प्यारा लुक है। तो और इधर आपको दिखाई पानी जो तालाब है, तो इस तरह का यहाँ का व्यू है। और अभी चलेंगे हम लोग पहाड़ पे, तो वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। तो भैया चलिए चलते हैं पहले सबसे पहले मंदिर को और उसके बाद कहीं और चलेंगे। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और मेरे साथ राहुल भी हैं आज, और कुछ लड़के आने वाले थे लेकिन वो सबका ट्रेनिंग छूट गया तो वो लोग साथ में है नहीं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले मंदिर की ओर और वहाँ का कुछ छू लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। तो गाइस यहाँ से मंदिर का प्रवेश द्वार है और हम चलेंगे, देख सकते हैं तालाब के बीचों बीच है ये मंदिर। सब बंदे भैया हम लोग मंदिर में प्रवेश कर गए हैं और सामने मंदिर है, आप सभी को दिखा दें, सामने मंदिर है तो वहीं जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। चलिए सबसे पहले दर्शन करेंगे और कुछ सोचा जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ भी बहुत सारा क्राउड लगा हुआ है और अभी इसके अंदर चलेंगे हम लोग। तो भैया मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है,
मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर सख्त मना कर दिया गया हम लोगों को, वहाँ का क्लिप शूट नहीं कर पाए। तो चलिए चलते हैं आगे और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य, काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी है और ये तालाब तो आप सबको पहले दिखाई दिए, देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अब किस लोकेशन पर हम लोग जाते हैं। भैया ये है नौका विहार और थलवार, लेकिन यहाँ बोटिंग करने का एक जो बोट है वो पूरा स्पेशल हमको पर्सनल खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए चार्ज है 200 रुपया। तो हम लोग भाई गरीब आदमी का कहाँ से बुक कर पाएंगे, तो चलिए हम लोग को बोटिंग करना है नहीं, यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट और फिर देख सकते हैं पहाड़ पर मंदार पर्वत पर चढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या हो पाता है। चलिए वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं आप सभी से कुछ देर के बाद। A few moments later. भैया हम लोग नाश्ता करने गए थे, लेकिन यहाँ छोले भटूरे 40 रुपया बहुत हाई फाई रेट है, 40 रुपया प्लेट दे रहा था, 40 रुपये में दो ही भटूरे, तो हम लोग करेंगे नहीं नाश्ता, कुछ खाने पीने का सामान पहले ही ले लिए थे हम लोग, तो वही खाएंगे और देखते हैं उसके बाद क्या होता है आगे, तो नहीं तो पहाड़ पर ही कहीं बैठ के आराम से खाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और आगे का सीन दिखाते हैं, अभी तो यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं है, सब पर्वत पर चढ़ गए हैं, तो हम लोग भी जाएंगे अभी, तो चलिए चलते हैं। तो भैया सुबह से भूखे ही घर से चले थे और भूख भी लग गया है, तो बिना खाए पिए तो पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल ही है, तो हम लोग अभी नाश्ता करेंगे, मुढ़ी नाश्ता करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है, तब तक वीडियो में बने रहिए। तो भैया नाश्ता करके हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर और देखते हैं आगे क्या हो पाता है, जो भी इस वीडियो में बन पाएगा, चलिए चलते हैं। तो भैया पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हम लोग थक चुके हैं, बस थोड़ा ही दूर आए हैं और अभी बहुत ऊपर चढ़ना बाकी है, आपको दिखाने के लिए लिफ्ट का भी सुविधा है, देख सकते हैं भाई जी, देख सकते हैं यहाँ लिफ्ट का भी सुविधा है और आप लिफ्ट से भी आ जा सकते हैं, देखिए कितना नज़दीक आ गया है, तो ये बहुत ही अच्छा सुविधा है गाइस, और बस ये सिर्फ और ये बस ऊपर तक ही जाएगा, मतलब सबसे अंत में, तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे, और ये इधर सीढ़ी है जिससे आदमी सब आ जा रहे हैं, तो बस थोड़ा ही देर बाद निकलेंगे। और राहुल राहुल क्या मज़ा आ रहा है, पूरा मज़ा आ रहा है गाइस, यहाँ आप सब भी जरूर आइएगा एक बार साथ में घूमने फिरने के लिए, हो सके तो 14 जनवरी को आएंगे, आप सब जरूर आइएगा। तो 14 जनवरी को यहाँ बहुत ही बेहतरीन मेला लगता है, तो आप आ सकते हैं और तो बस थोड़ा सा आराम करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो भैया आराम करने के बाद अब यहाँ से फिर से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और देखते हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है गाइस, पैर दर्द करने लगता है और आप देख सकते हैं आज क्राउड भी ज़्यादा है। यहाँ से नीचे से यदि ऊपर का नज़ारा दिखाएं गाइस तो कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक है और देख सकते हैं भैया कैसे पहुँचा। यहाँ ऊपर में फ़ोटो क्लिक करवाने का भी सुविधा है, आप यहाँ आके फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से बहुत ऊपर आ गए हम लोग और नीचे का दृश्य देख सकते हैं कितना खतरनाक लग रहा है, तो अभी और ज़्यादा ऊपर है जो कि हम लोग चलेंगे, थकान तो हो ही गया है, चढ़ते चढ़ते परेशानी भी हो रहा है गाइस, तो यहाँ तक आ गए तो पूरा फतह करेंगे ही करेंगे, तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं। अभी भी देख सकते हैं गाइस कितना दूर है वो लास्ट अंतिम छोर है इस पर्वत का, मंदार पर्वत का, और सामने से रास्ता है, तो फिर हम लोग रुक गए हैं। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है और चढ़ते चढ़ते माथा खराब हो गया, और अभी यहाँ से सामने का व्यू दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइस, देख सकते हैं। अच्छा भैया चलते चलते एक बार फिर से
रुक गए हैं और अब बस थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर है नहीं, तो यहाँ से चलेंगे बस कुछ ही देर बाद। देख सकते हैं काफ़ी सारा क्राउड है और ऊपर दिख रहा है, वहाँ ही जाना है। तो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद यहाँ से चलेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. तो देख सकते हैं सामने बहुत ज़्यादा क्राउड है और जो सब पहले गए थे वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ से देख सकते हैं नीचे का नज़ारा बहुत ही खतरनाक लग रहा है, खाई के जैसा, और सब कुछ छोटा छोटा तो दिख ही रहा है। और सब लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल है और बस कुछ इस तरह का सीन है। और इधर बस पहुंच ही गए हैं, बस पास थोड़ा दूर और है, 100 मिनट का रास्ता है। और अभी रुके हुए हैं, बस अब चलेंगे यहाँ से, बस क्राउड है, क्राउड हटेगा तो इधर से निकलेंगे। काफ़ी ज़्यादा हेलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। तो बस यहाँ से चलेंगे गाइस। तो फाइनली गाइस सबसे लास्ट चोटी पर पहुँच गए, देख सकते हैं, और यहाँ भी अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या है नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और आप सभी को दर्शन करवाते हैं सबसे पहले मंदिर का, जो कि यहाँ जैन मंदिर है। और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ हमको ये अच्छा लगा गाइस कि जगह जगह पर नींबू पानी का व्यवस्था किया गया है, ताकि आदमी परेशान, पानी के लिए परेशान ना हो। ये गेट है जैन मंदिर का, जो कि अभी ताला लगा हुआ है, शायद आगे से दूसरा गेट हो सकता है, तो पता नहीं अभी, खैर देखते हैं अभी क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं गेट बंद है और गेट के पास भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, तो नहीं है, तो चलिए चलते हैं दूसरे साइड में, तो क्या है दिखाते हैं आपको, तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा रुक गए थे, क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते समझ सकते हैं लगभग 45 मिनट से ऊपर काफ़ी ज़्यादा खराब हो, तो धीरे धीरे भी आए तो थक गया, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे हम लोग। और अभी चलेंगे मंदिर, देखते हैं मंदिर में क्या, मंदिर का भी दर्शन करेंगे हम लोग आगे। और यहाँ से देख सकते हैं नीचे कुछ उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही नीचे है, गहरा है, हाई टाइप का दिखाई दे रहा है। तो अभी चलेंगे, तो चलिए चलते हैं मंदिर और वहाँ दर्शन करते हैं पहले। तो देख सकते हैं गाइस क्राउड बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, हाउस नहीं आया था अंतिम फ्लोर पर, और अभी मंदिर में कितना भीड़ होगा पता नहीं, उधर भी देखिएगा उधर क्राउड ही क्राउड है। और अभी साइड में मंदिर है, हाँ चलिए चलते हैं। ये मंदिर जाने के लिए मेन गेट है, तो यहीं से हम लोग प्रवेश करेंगे। और देख सकते हैं जूता खोलिए, तो यहाँ जूता और चप्पल खोलना पड़ेगा, तो हम लोग अभी दो आदमी हैं, तो अभी एक को बाहर रहना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इतना सारा जूता चप्पल है, पता नहीं क्या होगा। गाइस यहाँ जूता चप्पल खोल लेते हैं और चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद आप सभी को व्यू भी दिखाएंगे, उसके बाद मिलेंगे नहीं। और चलिए ये राहुल है, ये भी साथ में जाएंगे, जूता चप्पल रख देते हैं इसलिए। यहाँ से देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, जूता चप्पल उतार ली है, जूता पहन के आ जाए चप्पल ली, और अब यहाँ मंदिर प्रवेश करेंगे। तो भैया हम लोग मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल शांत माहौल है, और सब आसपास बैठे हुए हैं, टहल रहे हैं। इधर से भी मंदिर जाने का रास्ता है, अभी चलेंगे और वहाँ दर्शन करेंगे सबसे पहले। तो ये प्रवेश द्वार है गाइस, यहीं से हम लोग एंटर करेंगे अंदर। तो गाइस हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, और इधर मंदिर है, ये अंदर जाएंगे और तो ये मंदिर है गाइस, देख सकते हैं दीपक जल रहे हैं, यहाँ पर दान भी कर सकते हैं, और अंदर जैन भगवान का ये मूर्ति है जो स्थापित है। यहाँ से निकलेंगे गाइस इस मंदिर से, और बाहर निकलेंगे, देखते हैं बाहर क्या है। तो फाइनली गाइस मंदिर का दर्शन कर लिए, और
अब देखते हैं और क्या है यहाँ पर, क्या दिखा पाते हैं आप सभी को, और उसके बाद जस्ट नीचे उतरेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और देखते हैं रिएक्शन आ पाता है कि नहीं। तो यहाँ से देख सकते हैं गाइज, ऊपर पर से नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फाइनली गाइज मंदिर प्रांगण से बाहर निकल गए हैं और अब सबसे पहले देखते हैं। तो ये यहाँ से देख सकते हैं नीचे का नजारा कितना खतरनाक लग रहा है, और उधर प्रशासन भी है जो रोक रहा है, जो मन चले सब हैं वो साइड में जा रहे हैं तो उनको रोक भी रहे हैं। तो यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और मंदिर तो भी है, आप सभी को मंदिर का दर्शन भी करवाएं। तो अभी यहाँ से आगे निकलेंगे और निकलते हैं और जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग यहाँ नींबू और पानी पियेंगे गाइस, क्योंकि पानी का बहुत ज़रूरत है और 10 रुपये ग्लास दे रहे हैं, ग्लास देख ही सकते हैं। तो चलिए इससे पानी पी के और उसके बाद निकलेंगे। देख सकते हैं गाइस हम लोग नीचे जा रहे हैं ऊपर से, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। तो भैया अभी ऊपर से थोड़ा सा नीचे उतरे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, मतलब जो जो शाम हो रहा है वैसे वैसे आदमी का भीड़ बढ़ता ही जा रहा है, और देख सकते हैं अभी कितना सारा भीड़ है। और हम लोग, हम और राहुल थोड़ा सा रुके हुए हैं, पानी उनी पी लेते हैं इस जगह से, फिर नीचे की ओर हम लोग चलेंगे। तो भैया अभी देख सकते हैं आदमी सब ऊपर से नीचे ही आ रहा है, तो अभी और थोड़ा दूर है, लगभग मान के चले कि अभी आधा दूर ही आए हैं हम लोग, और अभी आधा दूर और शेष है। देख सकते हैं राहुल सामने है, वो रिएक्शन लेने के चक्कर में खड़ा है अभी। अभी चलते हैं और आगे, और फिर देख सकते हैं नीचे नीचे का दृश्य। तो गाइज ऊपर से लगभग 3 कोना नीचे आ चुके हैं और देख सकते हैं क्राउड ये नीचे से लेकर ऊपर तक, अभी भी आदमी नीचे से ऊपर ही जा रहे हैं। और इधर सामने ये तालाब है जिसका पानी बताया जाता है कि कभी नहीं सूखता है, कितना भी गर्मी हो कितना भी धूप हो कभी नहीं सूखता है। तो अभी वहाँ भी चलेंगे, और अभी राहुल का बस वेट कर रहे हैं, वो पीछे रह गया है, और देख सकते हैं इधर भी ये सब आ जा ही रहे हैं। तो देख सकते हैं राहुल भी आ गया है, अब चलिए चलते हैं। बहुत जल्दी पहुँच चुके हैं नीचे, ऊपर चढ़ने में तो बहुत समय लग गया था लेकिन नीचे आने में ज़्यादा समय लगा नहीं, और भीड़ भी था तो शॉर्टकट रास्ता है, नीचे नीचे कूद गए हम सब। नहीं गाइस ऐसा नहीं, और सामने तालाब है, देख सकते हैं तालाब का नज़ारा, घर भी आदमी देखे ऊपर में बहुत ऊंचाई पर है। और बस यहाँ से अब नीचे लगभग समझिए कि तक ही गए हैं, और 10 मिनट और लगेगा यहाँ से नीचे उतरने, फिर आगे बात करते हैं आप सभी से। देख सकते हैं गाइज ये ऊपर पर से कितना मनमोहक दृश्य है, बहुत ही सुंदर लग रहा है गाइज। और यहाँ पर जस्ट लिफ्ट के द्वारा नीचे से ऊपर पर्वत के अंतिम छोर पर पहुँचाया जाता है, जिसका प्राइस 70 रुपया है। तो देख सकते हैं गाइज बस और थोड़ा सा दूर है, नीचे उतर ही गए हम लोग, बस 0 पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं गाइज, जहाँ से चाय शुरू किए थे हम लोग, और बस थोड़ा सा दूर और है। देख सकते हैं अभी भी क्राउड कितना है, और अभी भी लोग जा ही रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ ही रहे हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग 0 पॉइंट पर आ गए हैं, यहीं से हम लोग चाय शुरू किया था, और अब यहाँ से निकलेंगे और घर भी लौटना है, रिटर्न होना है, तो जल्दी से रेलवे स्टेशन भी जाना होगा, नहीं तो ट्रेन सकता है। और देख सकते हैं नीचे भी बहुत सारा क्राउड। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्राउड अभी लग चुका है, और इधर ये तालाब है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड। तो फिलहाल गाइस यहाँ से जल्दी निकलना होगा,
क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन यानी मंदार हिल रेलवे स्टेशन जो है वो भी दूर ही है, तो उसके लिए टोटो करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप सभी से आगे। तो भैया गए चश्मा लेने के लिए, लेकिन चश्मा पसंद ही नहीं आया, तो चश्मा लिए ही नहीं। दाम भी बहुत ज़्यादा, पसंद तो आया लेकिन दाम भी बहुत ज़्यादा बोल रहा था, तो चश्मा लिए नहीं हम लोग। और चलिए चलते हैं, अब यहाँ से निकलेंगे। राहुल, मज़ा आया कि नहीं आया? आज पूरा मज़ा आया और आप सब भी बने रहिए, आप सबको और भी आगे दिखाएंगे। कौन सी मज़ा आया? कुछ मज़ा नहीं है। तो गाइस चलिए यहाँ से निकलते हैं, जल्दीबाजी में निकलना होगा। तो गाइस फाइनली हम लोग टोटो में बैठ गए हैं, यहाँ से निकल चुके हैं और मंदार स्टेशन जाएंगे, फिर घर के लिए निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से मंदार रेलवे स्टेशन में। तो फाइनली भैया रेलवे स्टेशन मंदार हिल पहुंच गए हैं, ट्रेन कुछ देर के बाद है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। गाइस फाइनली ट्रेन आ गया है और इसी ट्रेन से भी चलेंगे, तो चलिए ट्रेन पे बैठ जाते हैं, उसके बाद आपको मंदार का व्यू दिखाते हैं। तो भैया देख सकते हैं फाइनली ट्रेन आ गए और देख सकते हैं वहां से आइए गेट के पास, तो भैया फाइनली अब भागलपुर आ गए हैं और अब ब्लॉग को यही एंड करेंगे। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं अभी हम रेलवे स्टेशन में हैं और यहाँ से बाहर निकलेंगे इधर इस साइड में। तो चलिए इस ब्लॉग को ब्लॉग का यही भी एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और अच्छे ब्लॉग के साथ। एक बार फिर से अंतिम में हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को मेरी तरफ से, और चलिए हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।